भारत के महावीर योद्धा अलाउद्दीन की वीर गाथा के एपिसोड 143 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है, हम आलाखंड का जो पावन इतिहास आपको सुना रहे हैं, भारत के उन महापराक्रमी वीरों की वीर गाथा आपको सुना रहे हैं, यदि आपको ये गाथा अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के वीडियो में हमने लाइक का टारगेट 1000 रखा है। यदि आप 1000 लाइक करते हैं तो इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, आप बिल्कुल फ्री होता है, लाइक से आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक जरूर करें। तो अब आइए, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जब मलखान और आला एक दूसरे से मिलते हैं बूंदी के मैदानों में, युद्ध क्षेत्र में। आला बड़े प्रसन्न होते हैं, मलखान को देख करके उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि मलखान और वीर आला बहुत समय बाद मिले थे। आला को महाराज परमाल ने देश निकाला दे दिया था। आला मलखान से मिलकर के प्रसन्न हुए और उनकी मंत्रणा होने लगी कि किस तरीके से बूंदी में वीर उदल बंदी बन गए और लाखन भी उनके साथ बंदी हैं, कन्नौज नरेश के राजकुमार लाखन भी बंदी हैं। ये उनमें विचार चल रहा है, तब तक महाराज जयचंद भी वहां आ जाते हैं। बड़ी खातरी जयचंद कीनी, मलके पास लियो बैठाए, खबर बताई सब बूंदी की। जयचंद बार बार पछताए, बहुत सम्मान किया मलखान का महाराज जयचंद ने, और जो बूंदी का हाल था, बूंदी का वृतांत था, किस तरीके से बूंदी में उसका पुत्र और वीर उदल बंदी बन चुके हैं, बूंदी नरेश महाराज गंगाधर ने धोखा करके दोनों महावीर योद्धाओं को बंदी बना लिया है। वीर मलखान महाराज जयचंद से कहने लगे कि राजन, आप चिंता ना करें, हम एक दिन के युद्ध में ही बूंदी दुर्ग को तोड़ डालेंगे और वहां से उदल और लाखन को बंदी गृह से मुक्त करा लाएंगे। जयचंद कहने लगे, मलखान ऐसी मुझे ये स्थिति दिखाई नहीं देती कि हम तुम सभी मिलकर के बूंदी के दुर्ग को तोड़ डालें, इसके लिए हमें प्राण भी गमाने पड़ सकते हैं। वीर मलखान कहने लगे, महाराज आप चिंता ना करें, मेरे पास सभी योजनाएं हैं, परंतु सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि उदल और लाखन बूंदी दुर्ग के कौन से भाग में कैदी बने हुए हैं, वहां से उनको छुड़ाना होगा और तब युद्ध करेंगे। ये बात सुनकर के जयचंद बोले, मलखान आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो कि महाराज एक महाभट योद्धा को बुलाओ और उसको गुप्तचर बना करके बूंदी में भेजा जाए। ये बात सुनकर के महाराज जयचंद कहने लगे कि वीर मलखान तुम ही कोई महावीर योद्धा को इस काम के लिए भेजो। तो वीर आला ने अपने एक महान शक्तिशाली ताकतवर योद्धा नवल धवल को बुलाया, जिसका नाम था नवला, बड़ा वीर योद्धा था, युद्ध करने में उदल के समान तलवार चलाने में सक्षम था, बड़े बड़े वीरों को धाराशाही करने में सक्षम था। तो उस नवला को बुलाया, कहा कि नवला तुम्हें गढ़ बूंदी में जाना होगा और गढ़ बूंदी में जाकर के तुम्हें यह जानकारी लेनी होगी कि वीर उदल और लाखन इस किले के कौन से भाग में बंदी बने हुए हैं। यह बात सुनकर के नवला धवल कहने लगा कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वीर मलखान बोले कि नवला तुम्हें एक सन्यासी का भेष धारण करना होगा, साधु बनो,
और साधु बनकर के बूंदी के दुर्ग में प्रवेश कर जाओ, और वहां जो महाराज गंगाधर की पुत्री कुसुमा है वो हमारे पक्ष में है। कुसुमा ने ही सूचना भेज करके आला को संपूर्ण बात बताई थी कि उदल और लाखन बंदी बन चुके हैं, इसलिए तुम्हें किसी तरीके से भी कुसुमा के पास पहुंचना होगा और उसकी जानकारी राजकुमारी कुसुमा प्रदान करेंगी। ये बात सुनकर के नवल धवल को एक साधु बना दिया गया, दाढ़ी लगा दी गई, भस्मी शरीर पर लगा ली, हाथ में चिमटा कमंडल लेकर के नवल धवल एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं, और साधु का रूप धारण करके बूंदी के दुर्ग की तरफ अलक निरंजन जय शिवशंकर कहते हुए चले जा रहे हैं। बूंदी के दरवाजे पर जहां दुर्ग का दरवाजा था वहां पर द्वारपालों ने रोका तो अपने नेत्र लाल करके नवल धवल बोले, द्वारपालो यदि भस्म होना चाहते हो तो बताओ, हम सन्यासी हैं और कुछ समय इस नगरी में निवास करना चाहते हैं, यदि तुम्हें कोई आपत्ति हो तो हम यहां से छोड़ करके जा सकते हैं। द्वारपालों ने एक साधु समझ करके बूंदी दुर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। वीर नवला बूंदी दुर्ग में प्रवेश कर गया और जहां बूंदी के दुर्ग का जो दरवाजा था जहां से महाराज निकलते थे वहां पहुंच करके एक धूना लगा दिया, और धूना लगा करके वीर नवल तपस्या करने के बहाने बैठ जाते हैं। नगर के सभी नर नारी वहां आते और वीर नवल को देखते। वीर नवल किसी से कुछ नहीं बोलते, उन्हें देख करके ये सूचना महाराज के पास पहुंचाई कि महाराज हमारे दुर्ग के अंदर, हमारे जो शहर है इस शहर के अंदर एक महान तपस्वी तपस्या कर रहा है। राजा कहने लगा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया जब हमारे यहां तपस्वी तपस्या कर रहा है और हमें उसका पता नहीं है? तुम जानते नहीं, साधु यदि क्रोध कर लें तो कुछ भी कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, और यदि कृपा कर दें तो अमृत की वर्षा कर सकते हैं। तुम ये नहीं जानते, महाराज गंगाधर स्वर्ण थाल में भेंट लेकर के अपनी महारानी को साथ में लेकर के और अपनी पुत्री कुसुमा को साथ में लेकर के उस साधु के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। साधु के पास वीर नवल था, वो तो मोहबे वाला था, उसके पास राजा गंगाधर पहुंचता है, दूर से प्रणाम किया, परंतु वीर नवल ने अपनी आंखें नहीं खोली। राजा गंगाधर काफी समय तक इंतजार करता रहा। राजा गंगाधर सोच रहा था, यदि मैंने इनकी तपस्या को भंग किया और इन साधु महाराज ने मुझे श्राप दे दिया तो मेरी नगरी नष्ट हो जाएगी। गंगाधर उसके सामने खड़ा हो जाता है, परंतु नवल तो यह सब एक रचा हुआ जाल था, एक नाटक था, वो नाटक कर रहे थे। कुछ समय बाद नवल ने आंखें खोली और आंखें खोल करके कहने लगा, ओहो राजन, न जाने तुम कितने समय से खड़े हुए हो, बताओ क्यों कष्ट किया, क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ चला आया। मुझे जब गांव वालों ने, मेरे शहर के लोगों ने जाकर की सूचना दी कि एक बड़ा चमत्कारी संत तपस्वी तपस्या कर रहा है, तो महाराज की सेवा में चला आया। ये बात सुनकर के नवल धवल कहने लगा, राजन तुम्हारा कल्याण हो। परंतु राजा गंगाधर कहने लगे कि हे तपस्वी श्रेष्ठ, आप मेरे महलों को धन्य करें, आज आप भोजन के लिए आमंत्रित हैं। नवल धवल तो ये चाहता था। नवल कहने लगा, ठीक है महाराज, मुझे आपका आतिथ्य स्वीकार है। नवला साधु के वेश में था, महाराज के महलों को चला गया। महाराज के महलों में पहुंच जाता है, दरबार में बैठ गया। दरबार में दरबारियों ने भी बड़ा स्वागत किया और नवल के चेहरे का तेज देखकर के कहने लगे कि ऐसा साधु तो हमने पहली बार देखा है, बड़ा चमत्कारी साधु है।
सभी उनके दर्शन कर रही थी। जब भोजन बन गया तो भोजन ग्रहण करने के लिए नवला को रनवासों में ले जाया गया। जब नवल धवल रनवासों में गए तो वहां राजकुमारी कुसुमा और उसकी माता और अन्य रानियां मिल जाती हैं। नवल धवल विचार करने लगा कि मुझे दिखाई ये देता है कि ये राजकुमारी कुसुमा है, परंतु इसका पता कैसे करूं। नवल धवल ने भोजन करने के बाद और उन रानियों को आशीर्वाद दिया तो रानियां कहने लगी कि हे साधु महाराज, हमारी ये पुत्री है और इस पुत्री का भाग्य देखिए, इस पुत्री के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। कुसुमा अपना हाथ नवल धवल के सामने खोल देती है। नवल उसके भाग्य की रेखाएं पढ़ रहे हैं और कहने लगे, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो होने वाला है, परंतु तुम्हारे विवाह में एक बाधा पैदा हो गई है। राजकुमारी कहने लगी कि जी साधु महाराज, मेरे पति इस समय कैद में हैं। ये बात सुनकर के नवल धवल बोले, बेटी वो कैद का क्षेत्र कहां है उसे मुझे बता। नवल धवल को राजकुमारी कुसुमा वो संपूर्ण क्षेत्र बता देती है। नवल कहने लगे, पुत्री इस तरीके से नहीं, मुझे उसकी पूरी स्थिति का जायजा बताइए, तब मैं तुम्हारे पति के बारे में कुछ बता सकता हूं। कुसुमा कहने लगी कि महाराज, यहां से जब हम चलेंगे तो इधर मुड़ेंगे और फिर कुछ आगे चलकर के सीधा एक कुआं आएगा और उसके पास से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी जेल बनी हुई है। उस जेल में प्रहरी लगे हुए हैं, उसका दरवाजा बंद रहता है और उस जेल में एक खंदक है। उस खंदक में उदल और लाखन बंदी बने हुए हैं। नवल धवल राजकुमारी से इतनी ही सूचना तो लेना चाहता था। संपूर्ण सूचनाएं लेकर के नवल धवल मन में विचार करता हुआ कि अब मुझे इस दुर्ग से निकलना चाहिए। नवला वहां से उतरता हुआ चला आ रहा है, राजकुमारी को कुछ नहीं बताया और गंगाधर के राज दरबार में आ गया। बहता पानी रमता जोगी, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। हरिद्वार के लिए जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, माता गंगा में स्नान करेंगे। राजा गंगाधर कहने लगे कि साधु महाराज, कुछ समय मेरे यहां ठहरते तो मेरी नगरी धन्य हो जाती, परंतु नवल धवल तो वहां से निकलना चाहते थे। कहने लगे, नहीं राजन, हमने आपका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। आज तक बहुत कम लोगों का ही आतिथ्य स्वीकार किया है। हम तो जंगलों में रहते हैं, वहां कंद मूल फल का भोजन करते हैं और अपना प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। ऐसा कहकर के राजा से अनुमति लेकर के राजा ने नवल धवल के चरण स्पर्श किए और नवल धवल अपने चिमटा को लेकर के और कमंडल को उठा करके चल देते हैं और उस दुर्ग के बाहर आ जाते हैं। दुर्ग के बाहर जहां सेना पड़ी हुई थी महाराज जयचंद की, वीर मलखान और आला बैठे हुए थे, वहां पहुंच जाता है। नवल धवल ने संपूर्ण भेद जो बूंदी दुर्ग का लिया था, वो संपूर्ण स्थिति आला को और वीर मलखान को बता दी, महाराज जयचंद को समझा दिया।